हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो साइडवेज ट्रेड करता फिलहाल नज़र आ रहा है। देख सकते हैं स्टॉक 339.80 पैसे पर हमको इस वक्त ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बाउंस बैक के साथ हमने आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 340 और 350 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था 350 का लेवल, यही लेवल इसके लिए अगेन रेजिस्टेंस का काम करेगा ऐसा डिस्कस हुआ था। और हम देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पर हमारा टारगेट हिट होता नज़र आ रहा है, वहीं से स्टॉक हमको रिजेक्शन दिखा रहा है। लेकिन अगर इसके ट्रेंड की बात करें हिंदुस्तान कॉपर के, तो देख सकते हैं ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ से लगातार हमको हायर है चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिला। इससे पहले भी हम देख सकते हैं गिरावट आई थी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो गिरावट जंप, उसके बाद हाई ब्रेकआउट, देख सकते हैं जंप पर हाई ब्रेकआउट किया है, रिजेक्शन लिया जहाँ से पहले रिजेक्शन लिया था उसी लेवल से। तो इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है 338-340 का लेवल, उसी सपोर्ट पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। ब्रेकडाउन कर जाता है तो ये आज जो आप हाई देख पा रहे होगे 335 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा और मेजर सपोर्ट रहेगा 320 का लेवल। लेकिन ऑलमोस्ट 334-335 के आसपास से अगेन स्टॉक में जंप देखने के लिए मिल सकता है, गिरावट दिखाता है तो यहाँ तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद अगेन जंप के साथ इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि देख सकते हैं स्टॉक ने अपने सेम सपोर्ट को, जहाँ इससे पहले सपोर्ट लेकर जंप दिखाया था उसी सपोर्ट को रिटेस्ट किया, 280 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं किया, तो इस हाई के यानी 350 के ब्रेकआउट के चांस बने हुए ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से स्टॉक अब हमको ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। इमीडिएट टारगेट 350 का लेवल, ब्रेकआउट कर जाते हैं तो 360 और इसके ब्रेकआउट के बाद 380 तक का जब आप हमको स्टॉक दिखा सकता है, अपने सेम सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है तो 350 के लेवल के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। उसके बाद 360 से लेके 380 तक के टारगेट भी हिंदुस्तान कॉपर हमको दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।